प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाएं हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियां पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहजरे आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर को धन्यवाद दे एक नया दिन प्रदान करने के लिए। आज के दिन माता कलीसिया हमारे सामने महान संत आल्बर्ट, जो धर्माध्यक्ष हैं, और उनके जीवन को हमारे सामने रखती है माता कलीसिया। जब आल्बर्ट जीवित थे उस समय उनके समान कोई भी लेखक व्यक्ति कलीसिया में नहीं था जो उनके बराबर बुद्धि में है, ज्ञान में है। और उन्होंने मास्टर्स थियोलॉजी में किया, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। और सेंट थॉमस एक्विनस आल्बर्ट महान के शिष्य थे, स्टूडेंट थे। और इसी प्रकार हम जानते हैं संत आल्बर्ट कितना महान है। ईश्वर का धन्यवाद है ऐसे संतों को समय समय पर कलीसिया को प्रदान करने के लिए। इन सारे संतों से प्रेरणा पाकर हम भी अपना जीवन अच्छी तरह जिए। आइए हम ये मिसा प्रदान में धन्यवाद देते हुए ईश्वर से वरदान प्राप्त करके एक अच्छे जीवन बिताने के लिए हम इस मिसा प्रदान में भाग लें। हमारे पापों को कबूले और हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तेरी कृपा से धर्माध्यक्ष संत आल्बर्ट विज्ञान तथा धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित कर महान बन गए। इस महान आचार्य की शिक्षा पर चलकर हम भी विज्ञान की प्रगति द्वारा तुझे अधिकाधिक जाने और प्यार करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जी पर हो ताकि पवित्र वचन वगैरह सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य, हे राजाओं सुनो और प्रज्ञा प्राप्त करो। हे राजाओं सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों शिक्षा ग्रहण करो।
तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है, किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हे शासको, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो, क्योंकि जो पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीनहीन को न्याय दिलाओ, निर्बल और दरिद्र को बचाओ, उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। मैंने कहा था तुम देवता हो, तुम सब के सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो, किंतु तुम मनुष्यों की तरह मरोगे, तुम अन्य शासकों की तरह नष्ट हो जाओगे। अनुवाक्य। हे प्रभु उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। जय घोष, आलेलुया। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोड़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 100 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौट कर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त,
तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में कृतज्ञ बने रहना कितना अनिवार्य है। हम एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि दूसरे लोग हमारे द्वारा किए मदद के लिए धन्यवाद दें, और इसी प्रकार ईश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य धन्यवाद देकर जीवन बिताए। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रहों के लिए और भी ज़्यादा अनुग्रह पाने के लिए निरंतर धन्यवाद देना बहुत अनिवार्य है। यह हमारे लिए उचित है और उत्तम भी है। आज के सुसमाचार में 10 करोड़ निरोग हो गए और केवल एक ही व्यक्ति वापस आकर यीशु को धन्यवाद देते हैं, और यीशु अपना जो विचार प्रकट करते हैं कि दसों को वापस आकर धन्यवाद देना था लेकिन केवल एक ही आया। इसी प्रकार धन्यवाद का महत्व प्रभु ईसा मसीह हमें समझाते हैं। जरा यीशु के जीवन में देखें, यीशु के जीवन में यीशु ने निरंतर पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया करते थे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10:21-22 में पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। इसके बाद हम देखते हैं संत यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 6:11 में, रोटी बटोरते समय प्रभु ईसा मसीह ने अपने हाथों में रोटियां ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार वचन हमसे कहता है। और आगे हम देखते हैं लाजरुस को जिलाने से पहले, संत यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 11:41 में देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया, हे पिता ईश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, और इसी प्रकार लाजरुस को जिलाया। और हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह अंतिम भोजन के समय, संत मत्ती के सुसमाचार 26:27 में कि यीशु ने रोटी ली, दाखरस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन्यवाद देने का जो आदत है, जो सुंदर कैरेक्टर है, हम प्रभु ईसा मसीह के जीवन में पाते हैं, और वह प्रभु ईसा मसीह हमसे भी आग्रह करते हैं कि हम निरंतर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन बिताए। आज के जय घोष में हम देखते हैं तस्रोणियों के नाम संत पौलुस का 1 अध्याय 5:18 में, आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है कि हम यीशु के नाम में पिता ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहें। ईश्वर हमें प्रचुर कृपा प्रदान करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। को सब कुछ दो क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, मानो धन उसे दो,
तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरे और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने धन्य आल्बर्ट को स्वर्गीय शिक्षा से भर दिया था, इनकी मध्यस्थता द्वारा हे प्रभु दिव्य संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा पवित्र आत्मा हमें विश्वास की उस ज्योति से आलोकित करे, जिससे उसने धन्य आल्बर्ट को तेरी महिमा के लिए आलोकित किया था। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो संत आल्बर्ट के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और उनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है, तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा का गीत गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा तेरे तीनों धाम, तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वो जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में पालो सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ, संत आल्बर्ट के साथ, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। पिता ईश्वर को धन्यवाद देकर हमारी आवश्यकताओं को उस पिता के सामने रखते हुए वही प्रार्थना हम दोहराए जिसे प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रूस का शरीर रक्त अनजीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। ए सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने विश्वासियों को जीवन दी रोटी प्रभु यीशु क्रिस्त से पोषित करता है। धन्य आल्बर्ट के पर्व दिवस पर हम उन्हीं गुरुवर क्रिस्त की शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उसे अपने जीवन द्वारा प्रेम पूर्वक प्रकट करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों पर धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे।
मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।